हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू स्टडी फॉर करियर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मनोलैंगिक विकास, जिसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी साइको एनालिसिस की, वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और हर टेट एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो कम्प्लीट देखिए वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अनअकैडमी पर भी फॉलो कीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो डियर, मनोलैंगिक विकास, देखिए इसके जो प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड हैं, ऑस्ट्रिया के ये मनोवैज्ञानिक थे, और सिद्धांत का जो आधार है, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का जो आधार है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, साइको एनालिसिस थ्योरी। क्लियर? तो इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी। देखिए ये अवस्थाएं जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मनोलैंगिक विकास की। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी, एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे और इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप इसको प्लीज़ साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा, साथ में आप कॉपी पेन रखिए। तो पहली जो अवस्था है मुखावस्था, मुखावस्था मुख से रिलेटेड होती है मुखावस्था। तो इसकी जो आयु होती है जन्म से दो वर्ष तक की जो आयु होती है, ये अवस्था होती है मुखावस्था। तो इस अवस्था में बालक के ध्यान का केंद्र बिंदु क्या होता है? मुख होता है। मीन्स उसको जो भी चीज़ मिलती है, जन्म से दो वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसको ये पता नहीं होता है इसको मुंह में डालना है या नहीं। वो कोई भी चीज़ को उठाता है तो उसको मुँह में डालना शुरू कर देता है, मीन्स मुँह में वो डालने की कोशिश करता है। तो काफ़ी बच्चे आपने देखे होंगे, आपके घर में भी बच्चे होंगे। तो छोटे बच्चे कैसे होते हैं, जन्म से दो वर्ष के, जो भी उनको चीज़ मिलती है सिर्फ उनको क्या करना होता है, मुंह में डालना होता है। तो मुखावस्था इस अवस्था को कहा गया है, अर्थात जो भी वस्तु बालक को मिलेगी उसे बालक सीधा ही क्या करेगा, मुख में ले जाएगा। तो दैट्स वाई इस अवस्था को क्या कहा जाता है, मुखावस्था। इस अवस्था में बालक जो है चूसना, निगलना, काटना आदि सभी क्रियाएं सीख लेता है। जो भी बच्चा एक्टिविटी करता है, चूसना, जैसे थंब को वो चूसता है, निगलना है ना, जब भी आप उसको कुछ खिलाते हो तो वो निगल जाता है, या काटना, कुछ ऐसी रबड़ की जो चीज़ें होती होंगी उसको काटना शुरू कर देता है, उसको मीन्स होता है ना कि भी मैं इसको काट दूँ है ना, तो वो मुँह में डाल के उसको काटना शुरू कर देता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, बच्चा जन्म से दो वर्ष के बीच में मुखावस्था में ये करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक में लिबिडो ग्रंथि का विकास हो जाता है, जिसे लैंगिक ऊर्जा के साथ जोड़ा गया है। तो इस अवस्था में बालक में लिबिडो ग्रंथि का इसमें विकास हो जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। लिबिडो ग्रंथि का जो विकास होता है किस अवस्था में होता है, तो मुखावस्था में ये होता है, और जन्म से दो वर्ष की ये आयु होती है। ठीक है, तो ये आप इसको नोट डाउन कर लेना, ये हमारी पहली अवस्था है, इससे बाहर कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, मुखावस्था कौन सी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं गुदा प्रधान अवस्था। देखिए गुदा प्रधान अवस्था जो है 2 से 4 वर्ष की ये अवस्था है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, मलमूत्र त्यागना, रोकना, उसके बारे में बताना आदि सभी क्रियाकलाप शुरू कर देता है। एक बच्चे को वॉशरूम जाना है या उसको वॉशरूम आ रहा है, उसको पॉटी करनी है, तो इस तरह से मीन्स वो क्या करेगा, करना शुरू कर देता है, वो शुशु करना शुरू कर देता है, पॉटी करना शुरू कर देता है, उसको रोक सकता है, उसके बारे में वो दूसरों को बता भी सकता है कि मुझे आई है। तो ये जो क्रियाकलाप होते हैं वो 2 से 4 वर्ष का बच्चा मीन्स ये करना शुरू कर देता है। बालक को व्यवहार, बालक का जो व्यवहार होता है क्रोधी, चिड़चिड़ा और कंजूस प्रवृत्ति वाला होता है। क्रोधी मीन्स उसको गुस्सा आ जाता है जब उसकी कोई चीज़ छीन लेता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बुखार जब उसको होता है ना, उसमें भी वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, और ये एज ही कुछ ऐसी होती है इसमें बच्चा चिड़चिड़ा रहने लगता है। कंजूस प्रवृत्ति का, वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर सकता है, कंजूस प्रवृत्ति का होता है, अपनी चीज़ों को वो किसी को देना नहीं चाहता, सिर्फ वो उसको अपने से मतलब होता है। तो ये जो होते हैं व्यवहार बच्चे के, ये 2 से 4 वर्ष का बच्चा होता है गुदा प्रधान अवस्था, और बात बात पर रोना शुरू कर देता है, बिना मतलब के रोना शुरू कर देता है। छोटी सी बात होती है सिर्फ उसको रोना उसके आगे होता है, कोई भी अगर छोटी सी बात उसको बोल दो, बिल्कुल भी हाथ भी ना लगाओ बच्चों को, क्या करते हैं वो बात बात पर रोना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, जो भी मैंने आपको बताया है, ये किस में करता है बच्चा, गुदा प्रधान अवस्था में, जो 2 से 4 वर्ष की ये अवस्था है। क्लियर?
नेक्स्ट अवस्था है जो हमारी थर्ड अवस्था है, लिंग प्रधान अवस्था। देखिए लिंग, अब ये लिंग से रिलेट है, इसमें जो लिंग प्रधान होता है 4 से 6 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में लड़कों में ओडिपस ग्रंथि का विकास हो जाता है। किस ग्रंथि का विकास हो जाता है? ओडिपस ग्रंथि का। और लड़कियों में कौन से ग्रंथि का विकास हो जाता है? इलेक्ट्रा ग्रंथि का। क्लियर। देखिए ओडिपस ग्रंथि क्या होती है, लड़का जो है अपनी माता से प्रेम करता है। ज़्यादातर आप भी जो बॉय होंगे अपनी मम्मा से ज़्यादा बात करते होंगे, मम्मा से ज़्यादा प्यार करते होंगे। ऐसा तो नहीं है वैसे कि फादर से आप प्यार नहीं करते हो, करते हैं, लेकिन एक अटैचमेंट होती है कि आप सबसे पहले अपनी मदर को बात करते होंगे, है ना। ऐसे ही लड़कियाँ होती हैं, उनमें इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास हो जाता है, जिस वजह से वो अपने पिता से प्रेम करती हैं। आप में से कुछ लड़कियाँ ऐसी होंगी, मदर के तो क्लोज़ होंगी लेकिन वो अपने पिता से बहुत क्लोज़ होती हैं, अटैच होती हैं, जो भी बात उनको लगती है सीधा अपने फादर को बोलती हैं। तो लड़का जो है अपनी माता से प्रेम करता है और लड़की अपने पिता से प्रेम करती है। करते तो वो दोनों से हैं लेकिन एक अटैचमेंट हो जाती है, मीन सबसे ज़्यादा वो किससे करती है। तो इस तरह का जो विकास है लिंग प्रधान अवस्था में हो जाता है और 4 से 6 वर्ष की ये आयु है। पूर्ण विकास जो है, कंप्लीट डेवलपमेंट इनका किशोरावस्था में हो जाता है। अडल्टहुड में इनका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, देखिए ऑपोजिट ऑपोजिट अट्रैक्शन हो जाता है। लड़के जो हैं लड़कियों के प्रति अट्रैक्ट होने लगते हैं और लड़कियाँ जो हैं दूसरे मीन्स दूसरे ऑपोजिट जेंडर के प्रति, बॉय के प्रति वो अट्रैक्ट होना शुरू कर देती हैं, शुरू हो जाती हैं। तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ये कौन सी अवस्था में होता है? लिंग प्रधान अवस्था। और ये जो बताई है सिगमंड फ्रायड ने, 4 से 6 वर्ष की अवस्था। क्लियर। नेक्स्ट है अव्यक्त अवस्था। देखिए अव्यक्त, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, अव्यक्त मीन्स जब हम किसी को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, हमारे जो भाव हैं विचार हैं जब हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, व्यक्त उसको नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये जो अवस्था है 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था के अंत में बालक में शारीरिक परिवर्तन तेज़ी से होते हैं। इसमें फिजिकल जो डेवलपमेंट है, फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो तेज़ी से होते हैं और जिन्हें बालक शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता है, जिन्हें बच्चा जो है अपने वर्ड्स में वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और इसी वजह से इस अवस्था को क्या नाम दिया गया है? अव्यक्त अवस्था। देखिए ये जो अवस्था होती है इसमें फिजिकल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं और वो बच्चे क्या करते हैं, वो कह नहीं पाते हैं कि उसमें ये चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो ये जो अवस्था है अव्यक्त अवस्था है, तो इसी वजह से इस अवस्था को क्या कहा गया है? अव्यक्त अवस्था, जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। ओके, नेक्स्ट है प्रजनात्मक जननात्मक अवस्था, जिसमें प्रजनन होना शुरू हो जाता है, जननेन्द्रिय अवस्था इसको कहा गया है, 12 वर्ष के बाद ही होती है। इस अवस्था में बालक में यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है, उसके जो यौन अंग हैं है ना उसका पूर्ण विकास हो जाता है, प्रजनन क्षमता जो है उसका विकास हो जाता है, जननेन्द्रिय अवस्था इस अवस्था को कहा गया था, और बालक में प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। ओके, तो ये कौन सी अवस्था है? प्रजनात्मक जननात्मक अवस्था, जननेन्द्रिय है ना, प्रजनन होना शुरू हो जाता है, प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है उसके यौन अंगों में, लड़कों में लड़कियों में। तो ये अवस्था होती है 12 वर्ष के बाद। तो डियर मैंने आपको कंप्लीट आपको अवस्थाएं बता दी हैं, जो सिगमंड फ्रायड ने बताई थी मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, जिसके सिद्धांत का आधार था मनोविश्लेषणवाद, उन्होंने एनालाइज किया था, साइको एनालाइज किया था। तो सब कुछ मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। कैसी लगी आपको ये थ्योरी बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।